इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन। एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रिपरेशन होती है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन से पढ़ेंगे। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो आप जानते हैं कि प्राइमरी स्टेज में प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। क्लियर? तो सभी को डिस्कस करेंगे, तो रिएजेंट वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए मैं फिर बता देता हूँ इसमें बच्चों, सबसे बड़ी चीज ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना होता है। मैं आपको टोटल 5 to 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगा और वो आपको परमानेंट याद रखने हैं। उनसे फायदा क्या होता है, तो फायदा ये होता है कि आपके मेनली कन्वर्जन में काम आते हैं। कन्वर्जन मतलब जब आपको एक प्रोडक्ट, आपको एक रिएक्टेंट से दूसरा प्रोडक्ट बनाना होगा यूजिंग डिफरेंट आपका रिएजेंट। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब KMnO4 और H2SO4 का यूज करके आप जो प्राइमरी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है, तो आप प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का भी यूज सेम करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन में। मैंने ये चीज आसान है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलना, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज। क्लियर? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 H2SO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज हम प्रीफर नहीं करते। कारण जब आप प्राइमरी अल्कोहल को बच्चों एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकती, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड एसिड में बन जाता है, तो हमें इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। और अगर हमें प्रॉपर एल्डिहाइड चाहिए तो हम इस रिएजेंट का यूज अवॉइड करते हैं। समझ गए? तो कभी भी आपको बच्चों प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो यू कैन यूज KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बट its limitation is you will get the mixture of aldehyde and acid. Clear? आप aldehyde और acid का mixture मिलेगा, तो इस चीज को avoid करना है। मैं आपको एक example बता देता हूँ, जैसे कि जो आपका CH3CH2OH है, ethanol using reagent KMnO4 in presence of H2SO4, ये दो कार्बन का आपका alcohol है, तो दो कार्बन का आपका aldehyde बन जाएगा CH3CO H, acetaldehyde, जिसको आप इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट अगर आप एरोमेटिक अल्कोहल लेंगे और सेम रिएजेंट यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजाल्डिहाइड। लिमिटेशन फिर से बता रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट हो जाता है लेकिन एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इस रिएक्टेंट का जो यूज है वो बहुत रेयर करते हैं। ठीक है, इसी के कंपेरेबल जो KMnO4 और H2SO4 के कंपेरेबल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं,